हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड। बेसिकली जब जैसे हम 10th पास करते हैं तो सबसे पहले जो साइंस का डिवीजन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो सबसे पहले हमें फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो हमें आता है दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड बेसिकली क्या है, एक हमें इंट्रोडक्शन बताता है कि जब हमने जैसे 10th में जो चीज़ें पढ़ी उस लेवल पर नहीं पढ़ी जिस लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके फिजिक्स की। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होता है कि व्हाट इज साइंस, आई मीन साइंस है क्या। साइंस इज एवरी थिंग अराउंड अस, साइंस सब कुछ है, साइंस मतलब हर चीज़ साइंस है। तो बेसिकली इसमें जैसे मेथड्स होते हैं, जैसे आप अब जैसे मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ, जैसे जैसे आपको एक कॉइन है, आपको उस कॉइन का डायमीटर मेजर करना है, तो आप कैसे यूज़ करोगे 10th तक कि भाई स्केल लोगे या कोई और मेथड यूज़ करोगे, मतलब आपको कोई साइंटिफिक मेथड की जानकारी नहीं है कि आप भाई कैसे कर पाओ। तो फॉर दैट वी हैव लाइक, अब फिजिकल वर्ल्ड जैसे हम पढ़ेंगे जैसे हम डेवलप होंगे फिजिक्स में, तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है और माइक्रोमीटर स्क्रू है। तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट एड्स टू लाइक डू दैट। ये एक सिंपल एग्जांपल था। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, जैसे आपको मतलब जो जो नए नए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं, मॉडलिंग है, फिजिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग और स्पेकुलेशंस हम नए नए ड्रॉ करेंगे कि भाई जो मतलब एक तरीके से जो आप फिजिक्स अब आगे जो पढ़ेंगे जितना भी 11th 12th में जितनी फिजिक्स है उसका एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, एक तरीके से उसका आप कह सकते हैं इट्स अ प्रियम्बल। और बेसिकली यहाँ पे कर हमें पढ़ना क्या है, जैसे आप फिजिक्स जैसे भी स्टार्ट करें, जैसे आपको बहुत एक और बेसिक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि साइंस साइंस का बेसिकली मीनिंग क्या है, साइंस कहाँ से डिराइव, साइंस वर्ड ही कहाँ से डिराइव, एक लैटिन वर्ब है साइंशिया विच मीन्स टू नो। सो बेसिकली साइंस इज अबाउट नोइंग, नोइंग थिंग, डूइंग डिफरेंट थिंग्स, नोइंग डिफरेंट फोर्सेज, नोइंग डिफरेंट लॉज, नोइंग डिफरेंट डोमेन्स, नोइंग नोइंग द स्कोप ऑफ फिजिक्स। मैं ये बात यहाँ फिजिकल वर्ल्ड इज नॉट अबाउट न्यूमेरिकल्स और नॉट, ये कोई जेई पेपर से भी कोई ये एक तरीके से रेलेवेंट चैप्टर नहीं, बट स्टिल इट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, इट हैज़ इट्स रूट्स। एंड ऑब्वियसली अब जब हमको पढ़ना है तो फिर उस लेवल पे हमें पढ़ना होगा कि जिस लेवल पे हम फिजिक्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें फिजिकल वर्ल्ड में पढ़नी होती है वो बेसिकली ये है कि जो डेरिवेशंस होंगे अब दे आर मोर लाइक बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, नॉट अबाउट, नॉट जस्ट ओनली ऑन मैथमेटिक्स। जैसे हम जो पहले पढ़ते थे वो एक मैथमेटिक्स पे डिपेंड करते थे कि भाई उतना नहीं है। अब जैसे जो जो डोमेन्स आएंगे, जैसे मैं आपको डिफरेंट डोमेन्स बता सकता हूँ, मैकेनिक्स आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडाइनमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, काफ़ी डोमेन्स आपको आएंगे। तो वो ये डोमेन्स आपको अलग अलग, मैं ये नहीं कह रहा सब 11th में पढ़ना है, कुछ 12th में भी आएगा, मॉडर्न फिजिक्स आएगा, स्पेशल रिलेटिविटी आएगी, क्वांटम थ्योरी आएगी, तो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स आपको उसमें पढ़ने को मिलेंगे। और फिजिक्स का जो रिलेशन है केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से वो आपको बहुत एक अच्छा रिलेशन देखने को मिलेगा। थैंक यू।